कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल हील लाइफ पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, चक्र ध्यान साधना की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे छठे चक्र आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र अन्य पांच चक्रों की भांति शरीर में सुषुम्ना नाड़ी पर दोनों आईब्रोज के मध्य अर्थात भ्रूमध्य के ठीक पीछे लगभग 3 अंगुल भीतर मस्तक में स्थित है। यह स्पष्टता और ज्ञान का केंद्र है। इसे गुरु चक्र, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई भी कहा जाता है। ईड़ा अर्थात चंद्रमा नाड़ी और पिंगला अर्थात सूर्य नाड़ी इस स्थान पर सुषुम्ना नाड़ी से मिलती हैं। इसलिए इसे त्रिवेणी या संगम स्थल भी कहते हैं। समस्त शरीर का संचालन और चक्रों का नियंत्रण करता आज्ञा चक्र है। ये हमारे ब्रेन से संदेश लेकर शरीर के विभिन्न अंगों को सक्रिय होने का आदेश देता है। 2 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, जिनका रंग गुलाबी आभा लिए सफेद है, उनके मध्य सफेद रंग के पूर्णिमा की चांद की तरह गोलाकार आकृति, जिस पर स्वर्णिम ओम बीज अक्षर के रूप में स्थित है। बीज मंत्र है इसका ओम और यह महातत्व प्रधान है। शारीरिक अंग जो आज्ञा चक्र से जुड़े होते हैं वे हैं ब्रेन का निचला हिस्सा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, साइनस, आंखें, कान, नाक, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार आदि में सफल होना चाहते हैं, लोगों को समझने की कला सीखना चाहते हैं, क्या करें क्या ना करें की पहचान करना और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना अर्थात विवेक शक्ति बढ़ाना और स्वयं को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, संकल्प शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सिक्स्थ सेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज्ञा चक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आज्ञा चक्र के जागृत या बैलेंस होने के और क्या लक्षण है ये भी जानना जरूरी है। तो देखते हैं, जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र बैलेंस होता है उसे फ्यूचर का पूर्वाभास होने लगता है, जैसे सपने में किसी घटना का दिखना और फिर उसका सच हो जाना। व्यक्ति में नए नए आविष्कार करने की क्षमता पैदा होती है। आंखों की ज्योति अचानक बढ़ने लगती है। लोगों को देखकर उनके अंदर के भाव और विचार जानने की क्षमता आ जाती है। दूर बैठे अपने सगे संबंधी से बिना फोन किए विचारों के आदान प्रदान कर पाने की क्षमता आती है, जिसे टेलीपैथी कहते हैं। खुद को पहचानने और स्वयं को एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित और वफादार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति में डर का भाव खत्म हो जाता है और उसका मन हमेशा खुश और आनंदित रहता है। फ्रेंड्स, अगर आज्ञा चक्र इम्बैलेंस हो तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, आइए इसे भी जानते हैं। शारीरिक समस्याएं जैसे अंधापन होना, सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों में कुछ और प्रॉब्लम्स होना, कान में प्रॉब्लम होना जैसे कान में दर्द आदि, ग्लूकोमा, रात में डरावने सपने आना, सही नींद ना आना, दिमाग ठीक से काम ना करना, मेमोरी वीक होना, तनावग्रस्त रहना, कुछ मानसिक समस्याएं जैसे सच बोलने में डर लगना, निर्णय न ले पाना, इमोशनली वीक होना, दिमाग में हमेशा कंफ्यूजर रहना, डिसिप्लिन में ना रहना, व्यवहारिक ना होना और दूसरों की परवाह ना करना, बात बात पर इमोशनल हो जाना आदि समस्याएं हो सकती हैं। आप भोजन में अगर हम मिंट, थाइम, रोजमेरी, ब्लैक पेपर, डार्क चॉकलेट, ओमेगा 3 आदि शामिल करें तो हम आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायता कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना भी बहुत अच्छा है। अरोमा थेरेपी भी बहुत लाभकारी है। इसमें लेवेंडर ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। माथे पर चंदन या रोली का टीका लगाएं। योगाभ्यास बहुत ही उपयोगी है। सूर्य नमस्कार की 1वीं और 12वीं स्थिति, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, शशकासन, बालासन, जानुशीरासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, विपरीत करणी मुद्रा और शवासन का अभ्यास बहुत उपयोगी है।
आज्ञा चक्र के बीज मंत्र ओम ध्वनि का उच्चारण और ध्यान का अभ्यास, जिसमें थर्ड आई मेडिटेशन और कंसंट्रेशन ऑन ब्रीदिंग बहुत लाभकारी है। आइए अब हम इसके अभ्यास को आरंभ करते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिसमें भी सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर एवं गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सर्वप्रथम ध्यान को श्वासों पर लेकर जाएं। श्वासों को गहरा और लंबा बनाएं। अंदर भरे हुए श्वास को धीरे धीरे पूरा बाहर निकाल, नाभि मूल प्रयास पूर्वक रीढ़ पर और मूल बंद का अभ्यास करें। पेट की मांसपेशियों को ढीला करते हुए आनंद पूर्वक श्वास को कंठ तक भरते जाएं। पूरा श्वास भरने पर पुनः मूल बंद का अभ्यास करें। इस क्रिया को दोहराते जाएं। ध्यान पूर्ण श्वासों पर एकाग्र हो जाए। मन अंतर्मुखी होता हुआ तीनों स्तरों पर श्वास को भरता हुआ अनुभव करें। पेट, मध्य, फेफड़े, तीनों स्तरों से श्वास को बाहर निकालते जाएं। धीरे धीरे श्वासों को सूक्ष्म करते जाएं। जितना श्वास सूक्ष्म होता जाएगा उतना ही मेरा मन शांत होता जाएगा। ध्यान भीतर, सर्वप्रथम ध्यान को मूलाधार चक्र पर लेकर जाएं। गुदा मूल और जननेन्द्रिय के पीछे रीढ़ पर, पश्चात स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान को लेकर जाएं, ठीक जननेन्द्रिय के पीछे रीढ़ पर। अब ध्यान को लेकर जाएं मणिपुर चक्र पर, ठीक नाभि के पीछे रीढ़ पर। अनाहत चक्र ठीक हृदय के पीछे रीढ़ पर। विशुद्धि चक्र ठीक कंठ के पीछे रीढ़ पर। और अब अपने ध्यान को लेकर जाएं आज्ञा चक्र पर, ठीक भ्रिकुटी मध्य में, दो अंगुल भीतर। कल्पना करें दो पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, जिनका रंग गुलाबी आभा लिए सफेद है, उसके बीच एक पूर्णिमा के चांद की तरह गोलाकार आकृति, उसके ऊपर स्वर्णिम ओम बीज मंत्र रूप में स्थित है।
इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुभव करें कि मेरे ओम के उच्चारण के वाइब्रेशन के साथ यह चक्र घूमने लगा है। 21 बार ओम की मध्यम ध्वनि का उच्चारण कर हम आज्ञा चक्र को जागृत करने का अभ्यास करेंगे। ध्वनि मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, न छोटी न बड़ी। श्वास करें। मन ही मन इस ओम ध्वनि का उच्चारण करते जाएं। या
ध्यान करें कि मेरा आज्ञा चक्र चमकने लगा है। इससे निकलती हुई दिव्य प्रकाश रश्मियां मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही हैं और मुझे शून्य की ओर लेकर जा रही है। मेरे भीतर बाहर ये दिव्य प्रकाश फैलने लगा है। मुझे आध्यात्मिकता की ओर लेकर जा रहा है। इस शुभ अवस्था में शुभ संकल्प करें। मैं अपने सपनों पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ और उन्हें पूरा कर सकता हूँ। मैं अपनी इंट्यूशन अर्थात अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करता हूँ और उसे नकारता नहीं हूँ। मैं अपने भूतकाल से सीखता हूँ और उस सीख के साथ आगे बढ़ता हूँ। इस शुभ संकल्प को मन ही मन दोहराते जाएं। प्रभु से प्रार्थना करें मेरे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। प्रतिदिन ओम मंत्र के 21 बार से लेकर 108 बार तक जाप करने से मेरा आज्ञा चक्र 10 दिनों के भीतर ही जागृत होने लगता है। एक ओम की लंबी ध्वनि के साथ चक्र ध्यान साधना को समाप्त करेंगे। भरें श्वास। धन्यवाद।